या पेशाब कम आ रहा है या बहुत गाढ़ा पीले रंग का आ रहा है, तो इस बात का आप जान लें कि आपको पानी की बहुत कमी हो रही है। दो या तीन दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और तपिश थी। इन्हीं दिनों के अंदर जो है हमारे पास पेशेंट्स जो आने शुरू हुए वो बुखार से आने शुरू हो गए और अभी भी जो है पेशेंट्स फीवर। जैसे जैसे सूरज की तपिश पड़ रही है लगातार कई बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सूरज की तपिश लगातार बढ़ने से चमड़ी की हीट स्ट्रोक के साथ कई अन्य प्रकार की बीमारियों के रोगी बढ़ने लगे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और वृद्धों के लिए ये गर्मी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रही है। देखिए मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, पिछले दिनों में देखा हुआ दो या तीन दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और तपिश थी। इन्हीं दिनों के अंदर जो है हमारे पास पेशेंट्स जो आने शुरू हुए वो बुखार से आने शुरू हो गए और अभी भी जो है पेशेंट्स हैं फीवर से आ रहे हैं। ये बदलते माहौल या बदलता जो मौसम है इसके अंदर हमें जो खास ख्याल रखना होता है वो ये है कि एक तो लगातार पानी पीते रहें, ओवरएस का इस्तेमाल करें और जब भी अगर बाहर जाएँ तो कोशिश करें कि अपने सिर के ऊपर कपड़ा और मुंह के ऊपर कपड़ा गर्दन पर लपेट के रखें ताकि लू से और गर्मी से बचा जा सके। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि होंठ सूखते हैं या पेशाब कम आ रहा है या बहुत गाढ़ा पीले रंग का आ रहा है, तो इस बात का आप जान लें कि आपको पानी की बहुत कमी हो रही है, जिसका सेवन अपने घर पर भी करें और अगर उसके बाद भी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है तो हॉस्पिटल में तुरंत प्रभाव से आप अपना इलाज करवाएं। तो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, उसके लिए हमने अपनी जो फ्लड कंट्रोल टीम्स हैं वो बना रखी हैं, हमारी किट्स तैयार हैं कि इनकेस अगर हमें कहीं भी सूचना ऐसी मिलती है कि किसी तरह की बीमारी का आउटब्रेक हो गया पानी की वजह से या फ्लड आने की वजह से, तो हम तुरंत प्रभाव से उसको क्या नाम है उसका काबू पा लेंगे, इसको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टीम में डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, LT है, फार्मासिस्ट है और जो क्लास 4 है वो साथ लगा देंगे ताकि, और ये रैपिड रिस्पॉन्स टीम है